ये मार्कर देना यार, दोनों दे दो, दोनों ठीक है। चलिए तो आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन आज का जो है क्वेश्चन है, किसी पाठशाला में एक एक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, ठीक है। किसी पाठशाला के एक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, मतलब तीन सेक्शन है। कक्षा मान लो 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, जो भी हो उसके तीन सेक्शन है ए बी सी करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि तीन अनुभाग हैं, तो हमने बताया कि भाई एक तो ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, एक सी सेक्शन है। तीन सेक्शन मान लिया अपन ने, ठीक है। अब इस सेक्शन में इन्होंने बोला कि ए और बी के छात्रों का अनुपात 3:5 है। ए और बी के छात्रों का अनुपात कितना है भाई? 3:5 है, ठीक है। और बी और सी के छात्रों का अनुपात कितना दिया है? 4:7 दिया है। बी और सी के छात्रों का अनुपात कितना दिया भाई? 4:7 दिया है, ठीक है। तो इनका अलग दे रखा है, इसका अलग दे रखा है, ठीक। अब बी इधर वैल्यू बोल रहा है, 5 इधर बोल रहा है, 4 जो तो गलत है बिल्कुल, है ना। या तो एक जैसी होगी क्योंकि बी बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू अलग हो सकती है, ए की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन बी दो बार दिया तो दो बार सेम टू सेम वैल्यू होनी चाहिए थी। तो भाई कायदे से बात क्या है कि भाई हमें इनको क्या करना पड़ेगा, भी इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बी की ही वैल्यू है, ठीक। तो इक्वल करने के लिए या तो इस वाले रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई करो, इस वाले रेशियो में 5 का मल्टीप्लाई करो, या फिर हमने आपको दूसरा तरीका बताया था कि भाई ए बी और बी सी का इस तरीके से क्या दिया हुआ रेशियो, तो हम ए बी सी का एक लाइन में रेशियो कैसे लेके आएंगे। हमने बोला था कि पड़ोसी जो है वो बगल में कब्जा करता है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी क्या है, खाली जगह पे 5 आएगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई? 4 आएगा, ठीक है। तरीके बहुत थे, मैंने आपको रेशियो की फर्स्ट और सेकंड वाले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको नहीं आता ये चीज तो आप फर्स्ट और सेकंड वाला वीडियो पहले देखिए, लाइन से सिक्वेंस वीडियो देखिए, सिक्वेंस वीडियो देखोगे आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी वीडियो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही तो उस क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार देखिए तो आपको 100% कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं वहां पर पर्सनली आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, आपको समझा दूंगा। चलिए तो यहां पे 3 × 12, ठीक, 5 × 20 और 7 × 35, अगर ये और कैंसिल हो रहे होते तो हम और कैंसिल कर लेते, नहीं हो रहे तो इसको मतलब क्या है कि बी में अगर 20 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 35, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करके देखो ना, 5 × 20, 5 × 35, तो 4:7 का रेशियो आ रहा है, तो बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? 4:7 का। और ए बी की बात करेंगे तो केवल ए और बी को जरा लेके देखो भाई, 4 से कैंसिल करो तो 4 × 12 4×5 तो 3×5 का रेशियो हो रहा है, मतलब इनकी बात सही हो रही है, ठीक है। तो 12, 20, 35 का रेशियो है। अब हमसे आगे इसमें क्या बोला है, हमसे बोला है कि इसमें टोटल पूरी कक्षा में 201 छात्र थे। कितने छात्र थे भाई? टोटल है 201 छात्र थे भाई। अब 201 टोटल छात्र हैं, तो हमने आपको बताया था जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, टोटल हमारे हिसाब से कितने हैं वो रेशियो में यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, ए बी सी के जो सेक्शन है उनमें टोटल कितने हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो 20 और 35 कितने होते हैं? 55। 55 और 2 कितने होते? 57। और 57 और 10 कितने हो गए? 67। तो टोटल कितने हुई? 67। तो 67 ये हमारे हिसाब से हो गए। तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड कर दिया। अब जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, अगर पूछते कि भाई ए सेक्शन में कितने हैं तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी सेक्शन में कितने हैं तो 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी सेक्शन में कितने हैं तो फिर 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या अनुभाग ए में कितने छात्र हैं, तो अनुभाग ए में कितने छात्र तो गुणा का कितना करना पड़ेगा भी हमें? 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 3 बार हो रहा कि नहीं, तो 12 × 36, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था, क्लियर। 12 × 36, देखिए ऑप्शन कौन कौन से दे रखे थे हमारे पास, 24, 36, 48, कौन कौन से? 24, 36, 48, क्लियर। तो इसमें से आंसर क्या था भी आपका? 36 था। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा भाई किस तरीके से इसको करना है। अगर समझ में कम आया है तो आप इसको एक बार और देखें, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सीक्वेंस वीडियो जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने या आपके कोई फ्रेंड अगर चाहते हैं कि वो इस क्लास का आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले शेखर सर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, ठीक है। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है कि जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा। देखिए आप ऊपर की साइड जाके देखोगे तो वहां पे न्यू यूजर का एक ऑप्शन आएगा, न्यू यूजर पे आप
आप जाके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना आईडी पासवर्ड बना के आप उसमें एंटर कर सकते हैं। और वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा सबसे नीचे, वहां पे आपको टॉपिक वाइज आपके क्या मिलेंगे वीडियो। तो अभी मैथमेटिक्स की वीडियो डाल रहे हैं। इस ऐप पे हम आगे जाके आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के सेपरेट सेपरेट चैप्टर वाइज आपको SSC CGL लेवल के क्या कराएंगे भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वर्क चल रहा है ऐप के ऊपर, और उसके बाद धीरे धीरे अभी एक दो महीने में आपको वो अवेलेबल हम करा देंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि तीन संख्याओं का योग कितना दिया है, 124। तीन संख्याओं का योग दे रखा है कितना अभी, 124। तो 124 क्या है अभी, योग अभी तीन संख्याओं का, ठीक। अब संख्या भी कौन कौन सी, अपन ने बोल दिया कि संख्या एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीन संख्या हो गई, इन्हीं का योग दिया 124। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया अभी, 2:3 है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया, 7:9 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया अभी, 7:9। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या है निकाल सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे वहां पे तीनों सेक्शन का योग दे रखा था, यहाँ तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, वहां ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा था, यहाँ पहली दूसरी और दूसरी तीसरी, मतलब ए बी और बी सी की रेशियो दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या अभी अपन से, पूछ रहे हैं कि ये तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमें सबसे पहले इसको एक लाना, तीनों की वैल्यू लाना पड़ेगी। वो किस तरीके से ला सकते हैं अपन, यहाँ पे जो 3 है वो बगल में भी जाके कितना होगा भी, 3 होगा, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी कितना होगा भी, 7। ये पड़ोसी है, बस वही संख्या रिपीट करनी होती है, खाली जगह होती है। तो 7 × 2 = 14, ये अपन ने लिखा भी 14, ठीक है। 7 × 3 = 21 और 9 × 3 = 27। अगर किसी कॉमन संख्या से तीनों कैंसिल हो रहे हैं तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी एक संख्या से तीनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें आगे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनका जो टोटल है वो 124 है। अब इनका टोटल पर रेशियो में देखते हैं, रेशियो में कितना हो रहा है, जरा देखिए अभी 8×4 = 12, देखिए 7 और 1 = 8, 8×4 = 12, ठीक है। एक कैरी आ गई, हासिल आ गई, ठीक है। 2×2 = 4, 5 और 1 = 6, 62 हो रहा है, कितना हो रहा है 62। तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड किया, क्योंकि हमने आपको बताया जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करना होता है, योग में योग का, अंतर में अंतर का, ए में ए का, बी में बी का, बड़ी संख्या बड़ी संख्या का, छोटी संख्या छोटी संख्या का, ठीक है, सलमान में सलमान का, कैटरीना में कैटरीना का। चलिए, तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड कर दिया, निकालना तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन सी है, यहाँ पे सी के नीचे कौन सी दिख रही है, 27। तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई 27 का कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई। अब यहां से कैंसिल करते हैं, देखो 62 × 2 कितने होते हैं, 124 होते कि नहीं, ठीक है। 62 × 2 = 124 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 27 × 2 = 54, तो 54 ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, साफ कर देता हूं इसको, स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज का, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या दिया है, एक थैले में 1 रुपए, कौन कौन से रुपए के दिए भाई, 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनके काय का अनुपात दे रखा है भाई, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:5, क्या दे रखा है, 2:3:5, 2:3:5, ठीक है, ये दे रखा है। ये काय का अनुपात दे रखा है भाई हमें, सिक्कों का, ये हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ठीक है, कितने इतने सिक्के हैं, एक का इतना है, बी का इतना है, तो सी का इतना है, ठीक है, ये रेशियो दे रखा है। आगे फिर क्या दिया है इसमें, इसमें हमें दे रखा है कि भाई इनके सिक्कों का कुल मान है वो 114 रुपए है, मतलब इन सिक्कों का अगर टोटल अपन रकम देखा जाए तो कितना दिया है, 114 रुपए है, ठीक है, ये टोटल रकम दिया है 114 रुपए। अगर तीनों के अपन रकम मिला ले, जितने भी सिक्के हैं टोटल अपन पैसों का योग करें, तो कितना है भाई आपका, 114 है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तब 50 पैसे के सिक्कों का मान क्या होगा, मतलब 50 पैसे के सिक्के जो रकम बनेगी 50 पैसे के सिक्कों की, वो हमें बताना है। तो देखिए जरा किस तरीके से निकालेंगे भी अपन, तो ये क्या है, पूरे पैसों की क्या है, टोटल है। तो अपन भी क्या बनाएंगे, सबसे पहले भाई पैसे बनाएंगे, तो पैसे बनाने के लिए आप खुद बताइए, अगर हमने आपको 1 रुपए के 2 सिक्के दिए तो आपके पास कितने रुपए होंगे, टोटल 2 रुपए होंगे कि नहीं होंगे, कितने रुपए होंगे भाई, 2 रुपए, ठीक है। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास 8 अगर 3 है,
अगर 50-50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपये कितने बनेंगे भी आपके? 1.5 रुपए। ठीक है, यहां पे बात करते भी अपन, यहां पे अगर 25 पैसे के अगर आपके पास कितने रुपए कितने सिक्के अभी 5 हैं तो आपके पास पैसे कितने बनेंगे अभी? 25×5=125, मतलब 1.25 रुपए। तो क्या लिखेंगे अभी अपन? 1.25। ठीक है, अब आप ये बताइएगा इनका जो टोटल है वो कितना हो रहा है? देखो 2, 1, 3 और 1, 4, 4.75। तो इनके हिसाब से टोटल था कितना भी आपका? 114 रुपए। हमारे हिसाब से 4.75 रुपए। ठीक है, ये टोटल है। तो हमने क्या किया भाई, टोटल में टोटल का डिवाइड कर दिया। अब जो चीज निकालनी है उसका मल्टीप्लाई, अगर हमसे पूछते कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में जाते, उसका मल्टीप्लाई करते। अगर हमसे पूछते कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के में जाते और उसका मल्टीप्लाई करते इस वाली संख्या का, तो सिक्कों की संख्या निकलती। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 5 का। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 रुपए में 1 रुपए कितने, मतलब जो रुपए है या मान पूछते उसका या अपना धन कितना है, तो इसका मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों का मान, मतलब 50 पैसे के सिक्कों से रकम कितनी बनेगी, वो हमसे पूछी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रकम वाले सेक्शन में जाएंगे, पैसे वाले सेक्शन ये है, और इसमें 50 पैसे के नीचे कितने हैं भाई? 1.50। तो इसी का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.50 को अपन ने मल्टीप्लाई किया भाई, यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। ठीक है, कैंसिल कर लो भाई, कितने से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक, चले कैंसिल करते भाई अपन, 5 से 5 दिया 15। ठीक है, 5×9=45, 2×5=25, 19×5=95, फिर 5 से कैंसिल कर लो 19 बार, और 5×5=31। ठीक है, 19 सिक्के कितने होते हैं भाई? ठीक है, 19×6=114, तो आंसर कितना आ गया भाई? 6 से 6 जा कितना होता? 36। ठीक है, तो 36 आपका ये आंसर है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिक्कों के बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। और सिक्कों में बहुत सारे प्रैक्टिकल भी ये कर सकता था कि भाई यहाँ पे अभी क्या दिया है आपको, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया था। अब आपके हो सकता है कि सिक्कों की संख्या ना दे के क्या दे सकता था अभी? पैसे दे सकता था। और वहां पे आपको टोटल दिया था वो रकम का दिया था, तो रकम की जगह सिक्कों का टोटल दे सकता था, वो कुछ भी कर सकता था भाई, वो कुछ भी निकलवा सकता था ये 6 चीजों में से। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीन पे आपका आ गया होगा क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के के पास 17:6 के अनुपात में 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कितने के भाई? एक तो 10 पैसे के हैं और 25 पैसे, कितने? 25 पैसे। ठीक है, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और किस अनुपात में है? 17:6 में, 17:6 में, इस रेशियो में उसके पास क्या है? सिक्के। ये जरूर ध्यान रखना भाई, सिक्के दिए हैं कि सिक्कों का मान दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सिक्के दिए हैं, ठीक है। अब और आगे क्या दिया है भाई क्वेश्चन में, आगे क्या लिखा है? आगे बोला है कि यदि थैले में सिक्कों का कुल मूल्य, यदि थैले में सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया है भाई हमें? 112 रुपए। यदि 112 रुपए अगर टोटल मूल्य है, ये क्या है? टोटल मूल्य, और मूल्य मतलब क्या है? रकम। ठीक है, पैसा, सिक्के नहीं, क्या? पैसा। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे। हमें 10 पैसे के सिक्के निकालना है, सिक्कों का मान नहीं निकालना है इस बार, क्या निकालना है? सिक्के निकालना है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है भाई? रकम है। तो हम भी क्या बनाएंगे भाई? रकम बनाएंगे भाई, पैसा बनाएंगे। तो रकम कैसे बनाएंगे आप ये बताइए। 10 10 पैसे के 17 सिक्के, मतलब 10 10 सी जो है आपकी वो 17 है, तो कितने रुपए हो गए भाई? 1.70। ठीक है, इतने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 25 सिक्का 150 होता है, सो 1.5 रुपया हो गया भाई अपने यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल रकम 112, यहां पर देखिए टोटल रकम कितना हो रहा अभी आपका? 3.20। ठीक है, देखिए 7, 5, 12 और 3, ठीक है 32 हो रहे हैं ना, 15 और 17,
ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई 3.20, ये टोटल रकम हो गई। पूछा क्या है, पूछा ये अपन से कि भाई सिक्कों की संख्या 10 पैसे के, तो सिक्कों की संख्या 10 पैसे की कितनी भी यहाँ पे 17 है, तो हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 17 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि हम जो सिक्के पूछे तो सिक्के वाली लाइन में जाएंगे, किसके पूछे 10 पैसे के, तो 10 पैसे वाली लाइन में जाएंगे, ठीक है। तो कितना था भाई 17, अपन इसको कैंसिल करते, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो पड़ेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112, ठीक है, क्लियर। इसके बाद दो से कैंसिल इसको कर लो, 2 8 16 और 2 5 10, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 और 7 8 56 और 3 59, तो 595 अपना आंसर बनेगा, ठीक है, 595 मैच कर लेना भाई, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए सिक्कों पे ही बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से आपसे कहता हूं, आप इसको थोड़ा पीछे करके वीडियोस को एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें, तसल्ली से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिक्कों के ऊपर ही, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के दिए हुए हैं और उनके मूल्यों का अनुपात दिया है। देखिए यहाँ पे 378 सिक्के हैं, अब इस बार क्या दिया है, सिक्कों का टोटल दिया है 378, क्या दिए हैं जो सिक्के दिए हैं हमें, क्या दिए हैं भाई सिक्के, तो 378 सिक्के हैं और इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे किस किस का अनुपात दे रखा है, 1 रुपए 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे, और 25 पैसे इनका क्या दे रखा है भाई, रेशियो दे रखा है, क्या क्या रेशियो दे रखा है भाई, आपका क्वेश्चन में आप देख सकते हैं भाई, 13 11 7, 13:11:7, क्या दे रखा है, 13:11:7, तो ये रेशियो दे रखा है, किसका दिया है भाई, ये मान का दिया है या फिर सिक्के का दिया, ये क्वेश्चन में आपको देखना है, तो ये उनके मूल्यों का, मूल्य मतलब रकम का, तो अब इस बार इन्होंने किसका भी रेशियो दे रखा है भाई, रकम का रेशियो दे रखा है, सिक्कों का रेशियो नहीं दे रखा, रकम का दिया है। अब लेकिन हमें यहाँ ये टोटल क्या दिया है, टोटल सिक्के दे रखे हैं, तो हमें सिक्के बनाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो हम सिक्के कैसे बनाएंगे, तो आप एक प्रैक्टिकल बात बताइए, अगर आपकी मम्मी ने आपको 13 रुपए दिए और ये बोला बेटा 1-1 रुपए के खुले लेके आओ, तो 13 रुपए में कितने सिक्के लेके आओगे, 1-1 रुपए के 13 ही लेके आओगे कि नहीं, तो भाई सिक्के हम निकाल रहे हैं, तो सिक्के यहाँ पे 13 रुपए में कितने बनेंगे, 13 ही बनेंगे। लेकिन 11 रुपए पकड़ाए होते और ये बोलती भाई आपकी माँ कि 8 लेके आना है, तो भाई हमें पता है 1 रुपए में 2 8 आती है, तो 11 रुपए में कितनी आएंगी, 22, है ना, तो जस्ट डबल आएंगी, तो यहाँ पर कितनी भाई 8 लेके आते भाई आप, 22। अगर 54 लेके आना होता भाई, 25 पैसे लेके आना होता, जो हम पता है कि भाई 1 रुपए में 4 54 होती हैं, जब 1 रुपए में 4 54 रुपए कितने भाई 7, तो कितने हो जाती, 7 4 28, 28 54 तुम लेके आते भाई, ठीक है, 28, है ना, तो ये सिक्कों का अनुपात हो गया। अब यहां पर सिक्के दिए थे टोटल इतने, हमारे हिसाब से कितने, देखो 22 और 28 50 50 और 13 कितने हुए, 63, ठीक है, तो इनके टोटल सिक्कों में अपने टोटल सिक्कों का डिवाइड, ठीक, अपने टोटल सिक्कों का डिवाइड। अब इन 6 चीजों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है 50 पैसे के सिक्के, कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्के देखना है, तो भाई सिक्का वाली लाइन में जाएंगे, ऊपर तो रकम वाली लाइन है, सिक्के वाली लाइन नीचे है, इसमें जाएंगे और 50 पैसे के नीचे आएंगे तो कितना है, 22, तो हमें इसका वैल्यू निकालना, तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, तो 22 का क्या करेंगे भाई अपन, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब ये कैंसिल करते हैं, अभी देखिए 63 छक्के कितने होते हैं, 6 बार कैंसिल हो जाएंगे, और 22 छक्के कितने होते हैं भाई आपके, 132, ठीक है, क्लियर, तो 132 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको हटाते हैं भाई अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए हमें दिया है कि कुल धन, कुछ धन है 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच में 16:21 में बांटा जाता है। देखिए
160 पुरुष हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 160 पुरुष हैं लेकिन महिलाएं नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि भाई एक्स महिलाएं हैं, ठीक है। 160 पुरुषों और एक्स महिलाओं में जो टोटल धन है वो बांटा गया है, ठीक है, और किस अनुपात में, 16:21 के में। भाई इनको 16 मिला तो इनको कितना मिला, 21 मिला, इनको 16 मिला तो इनको 21 मिला, इस ऐसे तरीके से बांटा गया है। आगे क्या दिया, प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक पुरुष को कितने मिलते हैं, 4, तो इसको कितने मिलते हैं भाई, 3 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहे, तो महिलाओं की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या हमें पता नहीं। अब आप ये बताइए कि टोटल हमने ये बताया है कि जो रुपए हैं वो किस अनुपात में मिलते हैं, भाई ये रुपए हैं पूरे टोटल धन, कुल रुपए, कुल रुपयों में इनका हिस्सा इतना है, इनका हिस्सा इतना है। आप ये बताइए 160 पुरुष है, एक पुरुष को कितना मिल रहा भाई, इतना 4, ठीक है, एक पुरुष को कितना मिल रहा भाई, इतना, एक महिला को कितना मिल रहा भाई, इतना। तो भाई हम ये बात करते हैं कि भाई 160 पुरुष हैं, एक पुरुष को 4 मिल रहे हैं, तो टोटल 160 को कितना मिलेगा, 16 × 64 मतलब कितने भाई, 640 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये किसको मिलेगा भाई, पुरुष को। महिलाएं एक्स हैं, महिलाएं कितनी हैं भाई, एक्स हैं, एक महिला को 3 रुपए मिल रहे हैं तो पूरी एक्स महिलाओं को कितनी मिलेगी भाई, 3x, ठीक है। और इसी का अनुपात क्या दे रखा है हमें, 16:21, 16:21, ठीक है, इसी का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 16:21, बस इसी को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। और एक्स क्या थी भाई, महिलाओं की संख्या, जरा देखते हैं भाई अपन क्या निकलेगा, देखिए यहां पर निकाल देते हैं 640 बटे में कितने भैया आपके 3x बराबर के 16:21, ठीक है, 16:21, चले तो 37 21 और 16 × 64, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 7 × 28 मतलब कि 280, तो महिलाएं कितनी थी, 280, ठीक, क्लियर बात, समझ में आ गया होगा, कोई और दूसरा मेथड होगा क्या इसका, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, बाकी अगर एक आध दो और अगर है तरीके अगर होंगे तो हम आपको आगे क्लियर कर देंगे कैसे क्वेश्चन को और किस तरीके से अपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अपन दूसरा हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए भाई हमने यहां पर देखा कि पुरुष 160 है, महिलाएं सॉरी पुरुष 160 है, एक को कितने मिल रहा है 4, तो टोटल धन कितना हो जाता है आपको, 16 × 64, ठीक है, मतलब 640, तो अपने हिसाब से कितना हो गया 640 टोटल धन, तो 640 टोटल धन है और रेशियो के हिसाब से कितना भी आपका 16, तो इनकी 640 में अपने 16 का डिवाइड, ठीक है। अब निकालना क्या, महिलाओं की संख्या निकालने वाला एक्स की वैल्यू चाहिए, अब एक को कितने मिल रहा है जरा देखिए, हम महिलाओं की संख्या कैसे बनाएंगे, टोटल धन कितना मिल रहा है 21, टोटल धन मिल रहा है कितना भी 21, और एक महिला को कितने मिले 3 रुपए, टोटल धन कितना भी 21, एक महिला को मिल रहा है 3 रुपए, तो 3 का डिवाइड लगाया भी 21 में तो कितना भी 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 16 × 64 और 7 × 28 280। अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी 7 कैसे आ गए, भाई हम आपको ये बता दें, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और हमने ये बोला कि एक बंदे को 5 रुपए देना है, तो आप 5 रुपए देते जाओगे तो बस 100 रुपए में कितने लोगों को दे पाओगे, 5 का डिवाइड ही तो करोगे 100 में, 20 लोगों को दे पाओगे कि नहीं, तो उसी तरीके से टोटल धन कितना दिया था 21 और एक महिला को कितना मिल रहा 3 रुपए, तो टोटल धन में अगर अपन इसका डिवाइड करेंगे तो रेशियो किसका आएगा, फिर वो आएगा महिलाओं की संख्या का, ठीक है, महिलाओं की संख्या का, तो कितना आया था 7, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई किया अभी अपन ने, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न। चलिए तो मैं पढ़ के सुनाता हूं भी आपको, आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 370 रुपए में एबीसी को इस तरीके से बांटा जाता है, 370 रुपए और एबीसी में बांटे जाते हैं, इस तरीके से बांटे जाते हैं कि ए बटे बी का भाग बराबर बी बटे सी का भाग जो है वो 3/4 है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह 370 रुपए टोटल है, टोटल कितना दिया है 370 रुपए दिया है, ठीक है, और इसको किस तरीके से बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी
बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है आपका 3/4 मतलब 3:4 ये दिया है। तो अब समझ सकते हैं कि बी वाली चीज कॉमन है, ये मध्यानुपात ही है, मतलब क्या दिया है अपन को ए अनुपात बी, और अनुपात सी की अगर बात करें तो ए और बी की वैल्यू कितनी है भाई 3:4 है, तो बी और सी की वैल्यू कितनी है भाई 3:4 है, ये बात इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो हम एक लाइन में निकाल के लेके आएंगे तो जगह जहां खाली होती है तो पड़ोसी को रिपीट करते हैं, तो यहाँ 4 और यहाँ पे कितने को 3 को रिपीट करना पड़ेगा, तो 3×9 दिया गया। ठीक है, ये 4×3=12 और 4×4=16, तो ये रेशियो आ गया अभी अपना, क्लियर। ठीक है, अब ये टोटल दे रखा अभी अपन को 37, अपन भी टोटल करते जरा कितना हो रहा है, जरा देखते हैं यहाँ पे हमारा हिसाब से भी कितना हो रहा है, 370 वहां पे, यहाँ पे 37 हो रहा है। ठीक है, तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड, ठीक है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, हमसे कौन सा भाग पूछा है, ए का मान क्या होगा, तो ए कितना यहाँ पे 9 है, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर कितना होगा भाई आपका 90। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ए का भाग पूछा था तो आंसर कितना हो गया भाई आपका 90। ठीक, समझ में आ गया अभी आपको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, आयु से संबंधित ये क्वेश्चन है, हालांकि आयु से संबंधित हम एक अलग से चैप्टर ही आपको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है, तो रेशियो से किस तरीके से करना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है आज का, आयु का चैप्टर हम अलग से लेंगे आपके लिए, उसमें सारे आयु से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन आपको रेशियो का ही पार्ट है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ रेशियो में भी है, SSC में आए हुए क्वेश्चन है, देखते हैं। हमें दिया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, राम और श्याम दो लोग हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान, राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया है, वो दिया है 7:8, तो 7:8। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:10 हो जाता है, 4 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो गया अभी 9:10, तो भाई वर्तमान समय से 4 साल आगे हम गए तो इनने कहा यह अनुपात हो गया वो 9:10 हो गया भाई, वो कितना हो गया भाई 9:10 हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया भाई 9:10। ठीक, अब इनने पूछा कि राम की वर्तमान आयु बताना है, राम की वर्तमान आयु बताना है, तो राम की वर्तमान आयु भाई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए वर्तमान वाले सेक्शन में जाएंगे वो कितना भी आपका 7, तो मतलब हमें ये तो क्लियर है कि आंसर वही होगा जो 7 से कैंसिल होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा जो 7 से कैंसिल होगा। ठीक है, अब 7 से कैंसिल होने वाला भी इसमें क्या दिया है, एक तो दिया भाई 14 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दो में से कोई आंसर होगा, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखते हैं। आप ये बताइए कि भाई यहां से लेके यहां तक इनने बोला कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, मतलब कि वर्तमान समय से 4 साल आगे तक का भाई गैप कितना होगा भाई 4 वर्ष, तो इनके हिसाब से गैप कितना है 4। अब अपन देखते हैं कि हमारे रेशियो में गैप कितने का लगा, जरा यहां पे देखिए कितने का गैप है भाई 2 का, तो यहां पे देखिए कितने का भाई 2 का, बराबर है, तो हमें बराबर बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बराबर दिए 2 और 2। अगर बराबर नहीं होते तो उस कंडीशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कराया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपन अंतर को समान बनाते हैं। ठीक है, अंतर को समान बनाने के लिए क्या करना होता है, इसके अंतर गुणा इधर कर देते हैं, इसके अंतर गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो नया रेशियो बन जाता है जिसमें क्या होता है अंतर समान हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यहां पे तो ऑलरेडी क्या दिया अंतर समान दे रखा है, कितना कितना दिया, यहां पे गैप 2 का, यहां पे गैप कितने का भाई 2 का, तो 2 और 2 का गैप है भाई, तो इनके हिसाब से 4 का गैप, हमारे हिसाब से 2 का गैप, और निकालना क्या अभी अपन को निकालना है राम की वर्तमान आयु, तो कितनी है भाई 7 × 7। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 से 2 बार 7 × 2 = 14। ठीक है, तो ये आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, चलिए इसको हम हटाते हैं, अगला प्रश्न आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एबीसी की आय का अनुपात दे रखा है 3, 5, 7, आय इनकम एबीसी 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है ये 3 है, ये 5 है, तो ये 7 दे रखा है। ठीक है, 3, 5, 7, अब इनकी आय में क्रम से 50%, 60% और 50% बढ़ा दिया जाए, तो नया रेशियो बताना है भाई, इसको बढ़ाना है कितना भी 50%, इसको 60% और इसको भी 50% बढ़ाना है, तो हमसे पूछ रहा है कि नया रेशियो क्या होगा भाई। प्रतिशत के केस में अपन क्या है वैल्यू 100 के केस में लें, मतलब 100 लें तो आसान पड़ जाता है। ठीक है, 100% निकालना बहुत आसान होता है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर क्या हम इसको 00 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे
तो यहां पे भी बढ़ा सकते हैं, यहां पे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो वही बात बचेगी, रेशियो तो वही रहेगा ना। ठीक है, अब इसको अगर 50% बढ़ाएं तो 50% 300 कितना होता है आपका, जस्ट आधा, मतलब कितना 150। तो 150 अगर हम इसमें बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 450, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, यहां बात करते भी अपन 560%, तो 560% आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 560%। ठीक है, तो देखिए कैंसिल करोगे 5 6 30 मतलब 300, तो हमें 300 बढ़ाने पड़ेंगे भाई, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 300 बढ़ाने पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 800। या 60% बढ़ाने का दूसरा तरीका भी क्या है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे ये 500 है, 500 में गुणा करते भाई 160/100 का, 160/100 का, क्यों, क्योंकि भाई 100 में जितनी परसेंट बढ़ाने उतना जोड़ो, 100 में जितनी परसेंट बढ़ाने उतना जोड़ो तो कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये बढ़ गया, पर्दा सही कर दो। ठीक है, ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो गया भाई 16 5 80, क्या हो गया भाई अपना 16 5 80, तो कितना हो गया ये 800। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी 800 होगी। ठीक, फिर 700 का 50% जस्ट आधा होता है, 350 होते हैं, 350 जब बढ़ाएंगे इसमें तो 700 प्लस के 350 वाला कितना हो गया 1050। अगर और कैंसिल हो रहा है तो अपन कैंसिल करेंगे, तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 9 45। ठीक है, और 5 से कैंसिल कितनी बार, 16 बार, 16 5 80, और 5 से ये कितनी बार कैंसिल भाई 21 बार। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब हमारा यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इनकम को जब बढ़ाएंगे इतने इतने परसेंट तो अपना आंसर कितना आ गया अभी, इतना आ गया, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये भी आयु वाला ही क्वेश्चन एक। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अपन क्लास को आज की रोकेंगे, ठीक है, और फिर आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले दिन देखेंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आयु से संबंधित ही क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो का ही भाग है, तो 2-4 क्वेश्चन क्या है यहाँ बता दे रहे, ताकि आगे जब हम स्टार्ट करेंगे आयु वाले क्वेश्चन तो आपको समस्या वहां पर ज्यादा नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक वर्ष पहले करण और अंकित की आयु। ठीक है, एक वर्ष पहले, देखिए कब है? एक वर्ष पहले की बात हो रही है, एक साल पहले, ये माइनस लगा के अपन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो बात है वो इंडिकेट कर रही है कहां की भाई, एक साल पहले। कौन है भाई, करण है, करण, और कौन है, अंकित। ठीक है, एक साल पहले करण और अंकित की आयु का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है अभी अपन को, वो दे रखा है 6-7। कितना दे रखा है, ये 6 है तो ये कितना है, 7 है। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, ये 6 है तो ये 7 है। ठीक, आगे आगे पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को, 4 वर्ष के बाद यह 7-8 हो जाएगा, 4 साल के बाद भाई, वर्तमान से 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा भाई, 7-8, ये 7 तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तो पूछ क्या रहा है, हम तो पूछ रहा है अंकित की आयु क्या है, अंकित की आयु निकालना है, और अंकित की आयु पूछी है, और इन्होंने ये नहीं बोला कितने साल पहले कितने साल बाद, इसका मतलब वर्तमान आयु हमें निकालना है। ठीक है, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक साल पहले की आयु कितनी दी है, यहाँ पे रेशियो 7, तो ऑप्शन में तो वर्तमान दिया है, तो वर्तमान में से एक एक घटा के देख लो 7 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, तो वो अपना आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए, वर्तमान समय की लाइन ये है, ये क्या है, वर्तमान है भाई आपका। अब इस लाइन के एक साल पहले, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा भी 2020 है, ठीक है, 2020 चल रहा है, 2020 से एक साल पहले क्या होगा भाई, 2019। ठीक है, और 2020 से 4 साल बाद क्या होगा भाई, 2024। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने साल का हो गया भाई, 5 साल का हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये क्या है, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो होता है, अगर प्लस और प्लस होता है तो अंतर ले लेते हैं, और अगर प्लस और माइनस होता है तो उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितने का हो गया अभी, 1 और 4 मतलब कितने का भी, 5 साल का। तो 5 साल का गैप हमारी तरफ से आया, 5 साल का गैप, हम रेशियो में देखते हैं कितने साल का गैप बन रहा है अभी हमारा, तो यहाँ पे देखा अभी कितने का गैप बन रहा है अभी, 1 का, यहाँ पे देखा कितने का बन रहा है, 1 का, भाई 1-1 का बन रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है, अगर अलग अलग बनता तो हमें क्या करना पड़ता भाई, उसको समान बनाना पड़ता भाई, लेकिन यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पे 1 का ही बन रहा है, तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड। ठीक है, निकालना क्या था भाई हमें, अंकित का, तो अब अंकित का वर्तमान निकालना है, अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल पहले की आयु आएगी, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो
कितने 4 साल बाद की आई, ठीक है। इसलिए हम एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते भाई, 7 का मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो 7 × 5 = 35, तो 35 कब की आई साहब, 1 साल पहले की निकालनी वर्तमान की, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान हो जाएगी 35 + 1, मतलब आंसर कितना हो गया भाई, 36, ठीक है, 35 + 1। अब आप कहते नहीं सर 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 का अगर करते तो जरा देखते हैं, 5/1 गुणा किया 8, तो 8 × 5 = 40, लेकिन ये कब की है, ये 4 साल आगे की है, हमें वर्तमान ही चाहिए, तो 4 माइनस भी तो करोगे, तो 4 माइनस कर दे तो फिर भी कहां पहुंचते भाई अपन, 36 पे, तो आंसर क्या हो जाता है भी आपका, 36, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में कराए गए क्वेश्चन आपने एंजॉय किए होंगे।